Welcome to the IFC channel. Hello guys, welcome to the next exciting video of Free Fire. I am Siddharth. Okay guys, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सारे कैरेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्म करना आपको, ठीक है? कौन सा कैरेक्टर का कौन सा एबिलिटी है, क्या एबिलिटी में यूज़ है, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से जो नए नए फ्री फायर खेल रहे हैं उनको पता नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा एबिलिटी का है, क्या उसका एबिलिटी है। इससे बहुत ही लॉस हो रहा है उनका, गेम किल रेट में भी बहुत रिड्यूस हो रहा, कि आसानी से किल दे रहे हैं, ठीक है, आसानी से डाई हो जा रहे हैं गेम में, ठीक है। सो आज जानेंगे कि कौन सा कैरेक्टर का कौन सा एबिलिटी है, ठीक है, और बेस्ट स्लॉट सेटिंग्स, ठीक है, स्लॉट्स में क्या क्या एबिलिटी कौन से एबिलिटी के साथ परफेक्टली मैच करता है, ठीक है। आप अगर कुछ डाउट्स होगा मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आपको पर्सनली चैट करके आपको सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो कॉन्केप, ठीक है। पहले आता है डीजे आलोक, सबसे ओपी कैरेक्टर है भाई अब तक, सबसे ओपी कैरेक्टर ऑन फ्री फायर, ठीक है। इसका एबिलिटी क्या है देखते हैं। आलोक का एबिलिटी है जब भी हम डैमेज लेते हैं और डैमेज नहीं भी लेते हैं, इस कैरेक्टर का आपको दिख रहा है लेवल 5 का है एरो, वैसे बॉक्स का होता है, ओके। आप अगर राफेल और आलोक यूज़ कर रहे होंगे आपको पता होगा, ठीक है। कस्टम में मैं दिखाता हूँ कहाँ आएगा एबिलिटी शो होगा कहाँ पर, एक मिनट दिखाता हूँ मैं कस्टम्स ओपन करके। ओके, आपको दिख रहा भाई साइलेंसर का, ओके, बड़ा छोटा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, दिखा आपको, यही है एबिलिटी स्लॉट। इसे कैसे यूज़ करना है, जब भी हम इसे क्लिक करेंगे कैरेक्टर का एबिलिटी यूज़ होगा, ठीक है। अभी आलोक का एबिलिटी क्या है, आलोक का एबिलिटी यूज़ करने से उस मैंने कस्टम एचओडी में जाके दिखाया ना भाई, उस पर जब भी हम क्लिक करते हैं हीलिंग टाइम है इसका 9 सेकंड्स तक। लेवल 5 का है मेरा आलोक, इसीलिए 49 HP देता है 9 सेकंड्स तक, 55 HP देता है 9 सेकंड्स, मतलब 49 से 45 HP मुझे मिलता है, ठीक है। अगर मुझे डैमेज होगा, अगर मैं आलोक का एबिलिटी यूज़ करता हूँ तो मुझे 45 HP ब्लड मतलब ब्लड EP होता है मशरूम का, मशरूम खाते हैं येलो ब्लड होता है EP, HP का मतलब है वाइट कलर का जो ब्लड होता है 200 वो है, ठीक है। 45 HP हमें गेन होगा, और उसके साथ साथ ही हमारा रनिंग स्पीड और बॉडी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होगा आलोक को यूज़ करने से, ठीक है, इसीलिए OP कैरेक्टर है, ठीक है। आलोक के साथ बेस्ट मैचिंग है। अगर आप आलोक को एबिलिटी यूज़ करके डिफेंसिव गेम खेलते हैं, रश नहीं करके डिफेंसिव गेम खेलते हैं, बेस्ट एबिलिटी है फिस्ट। अगर आपको गन नहीं मिला फिस्ट क्ला का एबिलिटी है, फिस्ट इज़ द बेस्ट। फिस्ट का मैं लेवल 4 ही काफ़ी है, क्योंकि एक हेडशॉट पड़ने से फिट से 385 देता है डैमेज, हेडशॉट का 385, ठीक है। और वेस्ट एंड्रू का है, एंड्रू का स्किल है वेस्ट ड्यूरेबिलिटी। वेस्ट ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है, अगर हमें कोई शूट करेगा, ठीक है, अगर हमें कोई शूट करता है गन से नॉर्मल कैरेक्टर से, अगर हम यूज़ करते हैं वेस्ट ड्यूरेबिलिटी, हमें डैमेज कम पड़ेगा, ठीक है, डैमेज जो होता है कम पड़ेगा, डैमेज होगा अगर आपको वेस्ट है और एंड्रू का स्किल रखे हो, ठीक है, एंड्रू कैरेक्टर का, तो आपको नॉर्मल कैरेक्टर जहां 10 लेता है डैमेज, एंड्रू लेगा 5 ओनली, ठीक है। और नेक्स्ट है किली का स्प्रिंट पावर।
अगर हम लोग के पास स्प्रिंट करते हैं, इट इज़ द बेस्ट स्किल भाई। स्प्रिंट अगर रश करने में ही यूज़ होता है, बहुत अच्छा है भाई। स्प्रिंट स्प्रिंट स्पीड इज़ द मस्ट, ठीक है। बहुत तेज दौड़ सकते हैं, ठीक है। रनिंग स्पीड बहुत इंक्रीज होता है। एग्जांपल, अगर केली स्प्रिंट स्पीड है केली का, केली को अगर हम लेवल मैक्स करते हैं, केली कैरेक्टर को लेवल मैक्स करने पर जो स्पीड हमें बाइक में मिलता है ना भाई, बाइक अगर देख लो फ्री फायर में जो बाइक रहता है उसका जो स्पीड है, वो ऐसे ही स्पीड हमें केली का भी मिलता है, ठीक है। उतनी ही स्पीड से केली भी स्प्रिंट करती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर आलोक हो गया, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कपेला देखिए भाई, कपेला कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर ऑन फ्री फायर, क्या करते हैं बताएं। अगर हम इस कैरेक्टर को यूज़ करते हैं मैक्स लेवल में, मैक्स लेवल होगा तो जो हम मेडिकिट लेते हैं, मेडिकिट अगर हमें 50% 200 में 50% ब्लड और 100% कुछ भी देता होगा, 50 लीजिए एग्जांपल। जब हम मेडिकिट यूज़ करके 50% ब्लड बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा 26% ब्लड बढ़ेगा और एक्स्ट्रा 10% ईपी, जो मशरूम हेल्थ होता है ना भाई, ईपी बढ़ेगा जब लेवल मैक्स का होगा। तभी भाई लेवल मैक्स का जब होगा तो 26% हमें मिलेगा एचपी, जो ब्लड, और 20 के आसपास भी मशरूम हेल्थ ईपी मिलेगा हमें, ठीक है। मेरा तो लेवल मैक्स नहीं है, शायद लेवल 4 का है, हाँ लेवल 4 का है, इसीलिए मुझे मिलता है 16% ईपी और 10% हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, शायद जोटा होगा, नहीं भाई एल्वेरो का स्किल एबिलिटी मैंने नहीं खरीदा, ठीक है। एल्वेरो का स्किल क्या है कि जब भी हम ग्रेनेड से एनिमी को हिट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग के पास नॉर्मल कैरेक्टर है और ग्रेनेड यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रेनेड यूज़ करने पर सही से लगे तो पूरा एनिमी डेड हो जाता है, ठीक है, किल आपको आ जाता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर गिरता है तो डैमेज नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ग्रेनेड का डिस्टेंस भी उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब भी हम एल्वेरो कैरेक्टर को यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है पता है, जो ग्रेनेड का रेंज है, हम दूर दूर तक ग्रेनेड फेंक सकते हैं, ठीक है, ग्रेनेड हो, फ्लैश बैंक हो, ठीक है, ऐसा जो फेंकने वाला चीज़ है बम, वो दूर दूर तक जाएगा, उसका रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसका डैमेज भी बढ़ेगा। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरा लेवल 1 का है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। डैमेज इंक्रीज बाय 6%, अगर उसका डैमेज 100 लगा, 106 लगेगा अभी जब मैं एल्वेरो कैरेक्टर को यूज़ करूँगा। और रेंज इंक्रीज बाय 7%, ये लेवल 1 का है भाई। अगर मैं लेवल 4 का दिखा दूँ, लेवल मैक्स का दिखा दूँ, डैमेज इंक्रीज बाय 16%, अगर उसको 100 का डैमेज पड़ा और एल्वेरो था उसमें कैरेक्टर की एबिलिटी, 116 पड़ेगा उसे डैमेज, और रेंज 10% तक इंक्रीज होगा, मतलब बहुत दूर तक ट्रैवल करेगा ग्रेनेड अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, माफ करना भाई, रिक्वेस्ट बहुत बंदे भेज रहे हैं, माफ़ करना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा वीडियो शूटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर है शाइनी, फ्री में मिला था एक इवेंट में, शायद संडे को फ्री में मिला था। शाइनी का क्या है पता है एबिलिटी, जब भी हम रेस्ट फॉर आर्म इवन एवरी किल, हाँ जब भी हम किसी को किल करते हैं, हम लोग का वेस्ट ऑटोमेटिकली रिपेयर होता है, 3% रिपेयर होता है, ठीक है, आपको समझ में आया। हमें कोई भी रिपेयर किट की ज़रूरत नहीं है, जब भी हम किल करेंगे
हम लोग का आर्मर का हेल्थ रहता है ना, वेस्ट का हेल्थ, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 3 हो, लेवल 2 हो, जो भी वेस्ट हो, उसका हेल्थ इंक्रीज होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होता है, ठीक है। यही है शाइनी का एबिलिटी। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। आलोक मैंने समझा दिया, पहले आलोक हो गए। A124 का एबिलिटी क्या है? A124 जब भी हम लोग को डैमेज पड़ता है, ठीक है, A124 का भी एबिलिटी आलोक के जैसे यूज़ करना होगा, ठीक है। आपको कस्टम में मैंने साइलेंसर का सिंबल दिखाया ना, वहीं पर ही एबिलिटी यूज़ कर सकते, ठीक है। जब भी हम डैमेज में रहते हैं, हमारा ब्लड, ओरिजिनल ब्लड, नॉट ईपी, एचपी जब पूरा कम हो जाता है ना, हमारे पास अगर मशरूम हेल्थ रहेगा, ईपी रहेगा ना, तो मशरूम हेल्थ से ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स, ठीक है। एबिलिटी बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लेवल मैक्स हो गया तो एक गेम में चार बार ही यूज़ कर सकते हैं एबिलिटी को। और डीजे आलोक क्यों मैंने ओपी बताया, ठीक है, डीजे आलोक को एक गेम में मिनिमम मैक्स होगा तो 10 से 11 बार आराम से यूज़ करते हैं आलोक का कैरेक्टर को, उसका स्किल। मगर अगर A124 का जब भी लेवल मैक्स भी हो गया तो मैक्स 4 टाइम, एक गेम में सिर्फ 4 ही बार यूज़ कर सकते हैं उन लोग को, ठीक है। इसीलिए उतना ओपी कैरेक्टर नहीं है भाई। लेकिन इसके साथ जब मिग्वेल का मैं बताऊंगा, मिग्वेल भी आएगा, मिग्वेल का एबिलिटी रखूंगा ना। मिग्वेल का एबिलिटी क्या है? जब भी हम किल करते हैं किसी को, किल करने से हमारा जो ईपी है, मशरूम हेल्थ इंक्रीज होता है ऑटोमेटिक। और मशरूम हेल्थ जब भी हम इसका स्किल यूज़ करेंगे, ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फास्ट रेट भी, हमें मेडिकेट भी नहीं डालने का ज़रूरत है, ठीक है। मेडिकेट नहीं भी डाले तो चलेगा, लेकिन क्योंकि जितना 40% ईपी है, अगर आपको 160 का डैमेज लगा, ठीक है, उसमें से 40% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और एग्जांपल मैं देता हूँ, हम लोग को 40 डैमेज लगा, ठीक है, 40 डैमेज लगा, जब हम लोग के पास फुल है, मशरूम हेल्थ फुल है, ठीक है। अगर हम इस एबिलिटी को यूज़ करते हैं, 160 + 40 200 हो जाएगा, तुरंत ही 200 हो जाएगा, ठीक है। यही है A124 का एबिलिटी, ठीक है। 40 EP × HP, ठीक है, मशरूम हेल्थ इंटू रियल हेल्थ ब्लड। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, जोसफ। अरे भाई रुक यार, जोसफ क्या करते हैं, ठीक है। जोसफ का एबिलिटी है, जब भी हम लोग को कोई डैमेज करता है, ठीक है, इवन सिंगल बुलेट भी डैमेज लगा, इस कैरेक्टर का स्प्रिंट स्पीड, मूवमेंट स्पीड सब इंक्रीज होता है, ठीक है, 20% इंक्रीज होता है। लेवल 6 का है मेरे पास, 20% इंक्रीज होता है, मतलब जब भी आपको डैमेज लगा, आपका रनिंग स्पीड बढ़ जाएगा, रिलोड स्पीड बढ़ जाएगा, मूवमेंट करते हैं ना, जंपिंग, गन चेंजिंग, वो सब बहुत फास्ट हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा लेवल 6 में, ठीक है। ये भी कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन अभी ओपी डीजे आलोक आ गया, उसका कभी भी बुलेट लगे या ना लगे, कभी भी हम आलोक के स्किल को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आलोक इज़ दी ओपी कैरेक्टर अंटिल नाउ, ठीक है। लॉरा का क्या है एबिलिटी? लॉरा क्या करती है कि जब भी हम स्कोप ऑन करते हैं, स्कोप ऑन करके एनिमी को हिट करते हैं, अगर नॉर्मल कोई होगा, एक्यूरेसी उसका कम जाता है, ओके, एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाता है, उतना बुलेट एक्यूरेटली एनिमी को हिट नहीं होता। अगर उसके प्लेस में लॉरा होगी, जब भी हम एग्जैक्ट स्कोप ऑन करके, भाई डिफ़ॉल्ट स्कोप में नहीं, स्कोप ऑन करना पड़ेगा, इस एबिलिटी को यूज़ करने के लिए स्कोप मस्ट एंड शुड है, स्कोप ऑन करके लेवल
वन का, मतलब लेवल वन का मतलब डॉट स्कोप जिसे बोलते हैं रेड डॉट स्कोप, वो भी उसे भी यूज़ करना होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्कोप में नहीं चलेगा भाई। जब भी हम स्कोप ऑन करके किसी एनिमी को हिट करते हैं ना, एक्यूरेसी इंक्रीज बाय 22%, ठीक है। लेवल फोर का है एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेट। एग्जांपल मैं देता हूँ, AWM अगर नॉर्मल कैरेक्टर्स कोई भी डीजे आलोक कोई भी हो, ठीक है, डीजे आलोक हो, किल्ली हो, जोसफ हो, एंड्रू हो, कोई भी कैरेक्टर अगर AWM उठाकर और बॉडी शॉट मारेगा, बॉडी शॉट जब भी लगता है 150 का डैमेज पड़ता है, ठीक है। अगर हम इस कैरेक्टर को यूज़ करके स्कोप करके AWM से किसी का बॉडी में भी मारते हैं, लेवल फोर का है, तब भी 300 का डैमेज लगा है, ठीक है। सिंगल बुलेट में आपको किल आ जाएगा, ठीक है। अगर बॉडी शॉट भी लगता है तो सिंगल बुलेट में किल आ जाएगा। अगर आपने हेड मारा मीडियम रेंज में है और शॉर्ट रेंज में है, 1100 डैमेज लगेगा भाई, 200 का ही उसका ब्लड होता है। लेकिन जब भी हम क्लोज रेंज में हेड लेते हैं किसी का, नोबड़े हो, कोई भी हो, प्रो प्लेयर हो, अगर वो हील कर रहे हो तो मेडिकिट में वो ध्यान देगा, ठीक है। अगर हम स्नाइपिंग करके शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज में उसको मारते हैं, उसका डैमेज 1100 पड़ेगा, मतलब 1100 पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर का एबिलिटी में बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर का एबिलिटी राफेल का एबिलिटी क्या है पता है? राफेल एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर है, रियल लाइफ नहीं, अंडरवर्ल्ड है, ठीक है। अंडरवर्ल्ड मेंशन किया है लेकिन रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है। सो क्या करता है, इसका जब एबिलिटी पूरा हील हो जाता है, इसका भी एबिलिटी आलोक के और A124 के जैसे ही आपको कस्टम में स्लॉट दिखाया ना भाई, उसमें मिलेगा, ठीक है। इसका सो राफेल का एबिलिटी है, जब भी आप साइलेंसर यूज़ करना चाहते हैं, कभी भी साइलेंसर अगर हो या नहीं हो, कभी भी आप लोग साइलेंसर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 9 seconds के लिए। कभी भी किसी पे गन में भी साइलेंसर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी गन में साइलेंसर यूज़ कर सकते हैं, एनिमी को साइलेंसर से किल कर सकते हैं, ठीक है। यही है इसका एबिलिटी। सो गाइस, वीडियो अब तक बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, नियरली 20 minutes के आसपास हो चुका है। इसका पार्ट 2 भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है। पार्ट 2 भी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, A to Z डिटेल सभी आपको मिलेंगे, ठीक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना पार्ट 2 के लिए, ठीक है। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ हेल्प हो गया तो आपका जानने में।